नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश के छात्र जो लगातार वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगातार दो दो तीन तीन आयोग से आपकी वैकेंसीज आने को हैं, जिसकी सूचना मैं आपके सामने लेके आया हूँ। UPPCL में तमाम पद, जैसे कि अगर टेक्निकल ग्रेड में देखा जाए तो जूनियर इंजीनियरिंग का और UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद आपके बहुत जल्द आने वाले हैं। साथ में ही UPSSC का देखा जाए तो इन्होंने भी बोला है कि अभी फिर से लेखपाल का लगभग 4500 से ज़्यादा पद, 4700 के आसपास दोबारा पद आने वाले। कुल मिला के 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज UPSSC से आने वाली हैं और UPPSC से भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ऐसे छात्र जो यूपी के एग्जाम्स की लगातार तैयारी कर रहे होते हैं, यूपी में करियर ढूंढ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। UPSSC में लगभग 5447 पद, ऐसे देखा जाए UPPCL में 1136 पद और UPPSC में 598 पद आने वाले हैं। हालांकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, लेकिन इसकी पुष्टि मैंने कल के भी वीडियो में कर दी थी और ये बात बिल्कुल सही है कि ये वैकेंसीज आने वाली है। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो ये है कि यूपी सरकार 6 महीने में 15000 को देगी नौकरी। अब इसमें 15000 नई वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, इसके लिए परेशान मत होइए। इसी में 8000 जो 85 पद आपका लेखपाल का हुआ था, जिसका अभी इन्हें क्या करना है, फाइनल बोल सकते हो कि ज्वाइनिंग देना है, वो इसी में इंक्लूडेड है। तो 15586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है राज्य सरकार, जिसमें से 7172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। मतलब कि 8000 इनका पहले से है, 7000 पे आवेदन लिए जाएंगे और 10139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया होगी। ठीक है, इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक 4700 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती होनी है। इस कटिंग में ये बोला गया है 4700 राजस्व लेखपाल के पद आने वाले हैं और ये बिल्कुल सही है, कभी भी आ सकता है। और ये PET आपके 2023 से आपके लेखपाल के ये पद आएंगे, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो लोकसभा चुनाव के पहले ही पहले आपका पेपर करा लेने का है। तो पेपर भले ही लोकसभा चुनाव के पहले ना हो, लेकिन एक बात समझिएगा कि वैकेंसीज ये जो चुनाव है इससे पहले आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सभी जानते हैं कि राजनीतिक लाभ सारी सरकारें लेने का प्रयास करती हैं और ऐसे में ये वैकेंसीज आएंगी, ये कंफर्म है। लगभग 10000 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके साथ ही अगर यहां पे देखा जाए तो ये आपका था, इसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि इसमें बाकी सारी चीजें क्या हैं। तो 4700 यहां पे लेखपाल के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आगे इन्होंने क्या बोला है, अगर यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे अधिक 5447 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेगा। यूपी लोक सेवा आयोग 598 व विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 1136 में आपके UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के भी और आपके JEE के भी। हालांकि इन्होंने केवल 1136 मेंशन किया है, ये पद बढ़ के ज्यादा जाएंगे क्योंकि 598 पद तो केवल JEE के इलेक्ट्रिकल कैडर में खाली है। तो इन्होंने क्यों 1136 लिखा ये तो मुझे नहीं पता, बट ये समझिएगा कि यहां से भी आपकी ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं और अभी से लेकर अगस्त तक UPPCL में कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बाकी अधीनस्थ की वैकेंसीज पे वो खुशी आपको भी और मुझे भी इसलिए नहीं होती है क्योंकि अल्टीमेटली PET ने क्या किया है, PET ने सारे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं जो बोल सकते हो कि एक जो मोरल डाउन किया है, जो एक सबसे गलत नियम, जो मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे गलत कोई चीज़ हुई है अभ्यर्थी के जीवन में तो वो हुई है PET। और इसके बारे में मेरे ख्याल से आप सभी लोग सहमत होगे क्योंकि सारे लोगों का अवसर छीन ली है। एक ही बच्चा बार बार वहाँ पे क्या करता है, बार बार अप्लाई करता है, सीटें खाली रह जाती हैं और गवर्नमेंट केवल क्या करता है, केवल आपका जुमलेबाजी के चक्कर में आपको ये बोलता है कि वैकेंसीज निकाल रही है, बट वैकेंसीज होती नहीं है, खाली ही चली जाती हैं और सबको लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद कि इससे आपको थोड़ा सा राहत मिली होगी कि वैकेंसीज आने वाली हैं। मैं इतना बोलूंगा कि अंतिम समय का इंतजार मत करिए कि वैकेंसीज आ जाए, तब पढ़िए, अपनी पढ़ाई चालू रखिए। कैसे क्या करना है सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का।